नमस्कार दोस्तों, मैं बी एस गांधी और आप देख रहे हैं गांधी टैक। दोस्तों आज का टॉपिक है थ्री पीस स्टार्टर में 9 बार ऑटो स्विच कैसे लगाते हैं। ठीक है, वो भी दो प्रकार का जो स्टार्टर होता है, एक तो थ्री स्विच में होता है, एक सिंगल स्विच में, सॉरी डबल स्विच में होता है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। और दोस्तों ये हमें 9 बार का ऑटो स्विच है, इसमें दोस्तों किस प्रकार से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली वीडियो भी है और डायग्राम में के द्वारा भी मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं पूरा कनेक्शन आपको समझाऊंगा, तब भी आपका कोई कमेंट रह जाता है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टर होते हैं आपका जिस प्रकार से, ये स्टार्टर है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको अभी इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल भी। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों ये हो गया, दोस्तों इसमें दोस्तों L1, L2, L3 ये होता है। ठीक है, आपके स्टार्टर में कोई सा भी हो लेकिन उस पर L1, L2, L3 लिखा मिलेगा। ठीक है, तो L1, L2, L3 का मतलब दोस्तों ये हो गया हमारे लाइन RYB। ठीक है, RYB। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी जो मोटर से कोयल आती है दोस्तों, वो दो आती हैं, उसको हम यहाँ पे कर दें। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे R किया है, यहाँ पे Y किया है, यहाँ पे B किया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उल्टा कर देना। ठीक है, मतलब डिफरेंट में, जैसे मैंने B कर दिया, ठीक है दोस्तों R कर दिया और Y कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये कलर कोड चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो गया ना, उसी प्रकार से दोस्तों आपको इसमें कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, ये तो होगा इतना बात। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मेरे ये थ्री स्विच का स्टार्टर है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन हो गया, येलो हो गया, आर हो गया। ठीक है, इसमें दोस्तों दो स्विच हैं, ग्रीन और रेड। अब क्या करना है दोस्तों, हमें जो 9 वायर का ऑटो स्विच है दोस्तों, इसको किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं आप इसमें समझिए। दोस्तों ये मेरा जो लिख रहा है L1, L2, L3, इन तीनों को हमें लाइन में दे देना है। ठीक है, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, इन तीनों को क्या करना है दोस्तों, लाइन में कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ये इसकी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, ग्रीन पे S1, S2 है। ठीक है, ग्रीन को हमें सीधा ग्रीन में लगा देना है। ठीक है, कोई तो देखिए दोस्तों जो ग्रीन है, जो S1, S2 है, इसको हमें दोस्तों क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, जैसे मैंने ग्रीन को यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, दोनों वायरों को यहाँ पे जो वायर लग रहे हैं उनको वैसे के वैसे लगा रहने दें, और जो ग्रीन वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दें। उसी प्रकार से दोस्तों आपके इसमें कनेक्ट कर दो। ठीक है, ग्रीन वायर दोनों। ठीक है, ठीक है, टू स्विच वाला में। ठीक है, और ये थ्री स्विच वाले में। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों आपको, जो ये S3 और S4 है, मतलब वाइट वायर, दोनों वाइट वायरों को क्या करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे समझिए एक बार, जो डेल्टा का है इसमें आपको एक बार इसको छोड़ देखना ही नहीं। ठीक है, दूसरा बार जिसमें सिंगल वायर लगा रहा होगा, जो यहाँ से अंदर से आ रहा होगा दोस्तों, इसको क्या करना है दोस्तों, इसको हमें हटा देना है, यहाँ से खोल देना है। खोलने के बाद में दोस्तों एक बार वाइट का आप यहाँ लगा देना है, मतलब S3। ठीक है, और ये वायर जो खोला है इसमें आपको लगा देना S4 या S1 S2, इधर भी आप समझ लीजिए S1 S2। दोस्तों S1 की इधर भी दे दो चाहे इधर दे दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार सब में, तो यहाँ पे S3 दे दिया, S4 दे दिया। अब दोस्तों इसमें आपको डेल्टा का वायर छोड़ देना है। ठीक, फिलहाल आप समझने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप क्या करना है दोस्तों, अब आ जाइए आप S5 और 6 पे, मतलब ब्लैक वायर को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों एक लाइन से आपका यहाँ पे आ रहा होगा एक ब्लैक वायर, इस प्रकार से आ रहा होगा इसमें, तो इसको खोल देना है। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे लगा देना है S5, और इसका जो खोला हुआ तार है, जो ये खुल जाएगा, अलग हो जाएगा, इस पर लगा देना दोस्तों S6। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको इसमें लगा देना। ठीक है, ये वायर यहाँ आ रहा होगा आपका, लाइन से आ रहा होगा एक वायर, यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों S6, और इसको खोला हुआ तार पर लगा दीजिए दोस्तों S5। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है दोस्तों आपको, जो इसमें दोस्तों डेल्टा नहीं किया है दोस्तों, जो इसके जो S3 और S4 हैं, जो वाइट वायर हैं, जो S
थ्री और फोर हैं, वाइट वाल जो वाइट हैं जो दोस्तों, इसको दोस्तों आपके जो इस टू स्विच वाले में स्टार्टर में आपको छोड़ देना है, और इन दोनों के जो कॉर्नर पे दोस्तों वहाँ पे क्यों क्या करना दोस्तों, इंसुलेशन टेप कर देना है ताकि हमें डर ना रहे चिपकने का, ठीक है, लाइट वाइट करंट का, ठीक है। तो जो ये वायर हैं लास्ट के जो इस प्रकार से, इसको आपको इंसुलेशन टेप कर देना, ठीक है, और इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब आप इसको प्रैक्टिकल वीडियो भी समझ लीजिए, मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया हुआ है कम्प्लीटली, वो भी समझ लीजिए। तो दोस्तों हमें ये वाइट वायर छोड़ने हैं, तो क्यों छोड़ने पता है दोस्तों? दोस्तों इसके अंदर टाइमर नहीं होता है और इसके अंदर टाइमर होता है दोस्तों। इसको हम प्रेस करेंगे जो येलो से, तो दोस्तों हमारा जो टाइमर की जगह है दोस्तों वो काम करेगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसमें टाइमर होता है, वो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, और ये टाइमर नहीं होता दोस्तों, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है येलो से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वाइट वायर है जो आपको ऑटोमेटिक रिले का काम करेगा, जो यहाँ से इसको प्रेस करेगा, ठीक है, और इसमें दोस्तों हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वीडियो भी आप समझ लीजिए एक बार। तो देखिए दोस्तों ये मोटिव का जो ऑटो स्विच है, इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि L1 L2 L3 ये जो है जो थ्री फेस लाइन की सप्लाई के लिए हैं, और स्टार के लिए और रन के लिए और स्टॉप के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो ग्रीन है, वाइट है और दो ब्लैक वायर है, ठीक है। इसमें वायर रिपेयरिंग के तौर पर हमने चेंज कर दिए थे, तो ये दो ब्लैक हो गए, दो वाइट हो गए, दो ग्रीन हो गए। तो दोस्तों ये आप देखिए, इस पर थ्री जो स्विच देख रहे हैं, थ्री स्विच के लिए अभी इसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इसको डेल्टा स्विच है, इसको यूज नहीं करना है, सिर्फ दो स्विच के लिए यूज करना है। काफ़ी स्टार्टर ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें दो स्विच होते हैं, जो डेल्टा के लिए जो स्विच होता नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसको किस प्रकार से इसका कनेक्शन करते हैं ऑटो स्विच के लिए, वो मैं आप समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों 1 मिनट के लिए आप इसका लाइन भी समझ लें। ये मोटर के लिए दो वायर आ रहे हैं, ठीक है, ये केबल एक ये रहा और एक दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैंने कोई जो केबल है, इसका कलर कोड में जो कलर कोड होता है उसको डिफरेंट करके मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। जैसे रेड के साथ मैंने येलो किया, ठीक है, और जैसे ब्लू के साथ मैंने पीला कर दिया, ठीक है, और जो येलो है उसके साथ मैंने रेड कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंट में होना चाहिए, चाहे केबल इधर की इधर हो या इधर इधर हो, तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोस्तों फेस की लाइन, ठीक है, थ्री पेज, ठीक है, RYB, ठीक है, ये RYB हो गए, आपको देखिए RYB, ठीक है। तो ये स्विच हो गए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मैं इस स्विच को नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, ये स्विच मेरे पास है नहीं, तो ये सोचिए आप है नहीं, आपके पास में दो स्विच वाला स्टार्टर है, एक ये वाला है एक वाला है, तो आपको ये किस प्रकार से कनेक्शन करना होगा ये समझ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वायर आप देख रहे हैं लाइन के L1 L2 L3, ये दोस्तों आपको लाइन में लगा देना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, लाइन में ही लगा देना है। तो मैं लाइन में लगा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों मैंने ये लाइन में लगा दिए हैं L1 L2 L3 जो हमारे यहाँ से निकलते हुए थे, ठीक है दोस्तों, ये रहे, ये मैंने इसमें लगा दें। ये तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको सभी स्टार्टरों का कनेक्शन में और जो ऑटो स्विच लगाना है वहाँ पे कर देना, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों स्विच की, ठीक है। अब दोस्तों ये ग्रीन वाले हैं जिसमें मुझे ये हरे जो हैं S1 S2 वाले हरे, ये दोनों लगा देने, ठीक है, दोनों में, दोनों टर्मिनलों में लगा देने। मैं इसको लगा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों मैंने जो NO स्विच है ग्रीन वाला, इसमें मैंने हरे टर्मिनल लगा दिए हैं ऑटो स्विच के, जो मेरे S1 S2 हैं, ठीक है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, जो ये रन का है मतलब डेल्टा वाला रन का S3 S4, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ। अब स्टॉप वाला 5 और 6 लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ब्लैक वायर है, एक वाला ये रहा और दूसरा दोस्तों ये रहा, ठीक है, जो मैंने रेड कर रखा है अंदर से, क्योंकि इस रिपेयरिंग के तौर पर मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक ठीक है, रेड और जो ब्लैक है, आपके में नए हैं तो आपके में दोनों ब्लैक मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या कैसे लगाने है? मैं आपको लगा कर बताता हूँ। इसको क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ से इसको खोल लिया, ठीक है, यहाँ से खोलने के बाद में दोस्तों इसका जो वायर था उसमें मैंने ये वायर एक को ब्लैक को कनेक्ट कर दिया, दूसरा ब्लैक दोस्तों मुझे यहाँ कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा समझने पर आपको देख क्या समझ में आया, देखिए जो मेरे यहाँ से वायर निकलते हैं ये कोई सा भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, और कोई सा भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों इधर का इधर लगाओ, ठीक है, ये आपका एक्सचेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका इधर लगा दो या इसका लगा दो, लेकिन दोनों हरे यहाँ पर लगने चाहिए, और एक ब्लैक दोस्तों यहाँ पर लगाना लगा दो, और दूसरा ब्लैक यहाँ से जो यहाँ से हटाया था आपने,
वो यहाँ लगा दो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मेरे ये वायर मेरा यहाँ लग रहा था, ठीक है, मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया एक ब्लैक वायर से, और एक मेरा ब्लैक यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों मेरे पास में जो S3 है और S4 ये बच गया, मतलब दो वाइट वायर बचे हुए हैं, वो देख लीजिए आप, दो वाइट वायर कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों ये मेरे पास में दो वाइट वायर बचे हुए हैं, ये वाइट वायर बचे हुए हैं, ठीक है। ये मुझे दोस्तों डेल्टा में कनेक्ट करने होते हैं, तो डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वायर खोल देना है यहाँ से, और इसमें सेम ब्लैक वायर जो ये रेड स्विच है उसकी तरह लगाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपका स्टार्टर तो दो ही स्विच का है, आपके स्टार्टर तीन स्विच का तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों में आपको, तो दोस्तों इनमें क्या करना है आपको, इंसुलेशन टेप कर देना अलग अलग, ठीक है, अलग अलग इन पर इंसुलेशन टेप कर देना, ठीक है। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, इसको दूर रख के। ये वायर दोस्तों L1, L2, L3 के हो गए, ठीक है। ग्रीन वाले वायर दोस्तों ग्रीन में सेम ऐसे कैसे लगा देना है, कोई वायर आपको खोलना नहीं है। ब्लैक वाले दोस्तों दोनों तारों को आपको यहाँ से खोल देना है एक वायर, और इस पर जगह लगा देना है ब्लैक वायर एक यहाँ पे, और इसका जो खोला हुआ वायर है वहाँ पे। डेल्टा है दोस्तों आपका, अगर स्विच है आपके पास तो इसको भी इसकी तरह खोल के यहाँ से ये वायर लाल तार जो खोल के यहाँ से खोल के एक लाल यहाँ पे लगा देना है और एक वाइट यहाँ लगा देना, ठीक है। ये वाइट वाला तार है S1, S3, S4, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके कंडीशन ये होती है कि आपका स्टार्टर तो दो ही स्विच का है, ठीक है। तो दो स्विच के में क्या होगा दोस्तों, आपको ये जो वाइट वायर है उस पर इंसुलेशन कर देना है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे स्टार्टर होते हैं दो स्विच के होते हैं उसमें टाइमर लगा होता है, और टाइमर दोस्तों क्या करता है, जो हमारे जो ये स्विच प्रेस कर रहे हैं दोस्तों उसके एक मिनट के बाद में हमारा टाइमर ऑटोमेटिक डेल्टा में चेंज कर देता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वो तो हो जाता है ऑटोमेटिक चेंज, लेकिन दोस्तों इस प्रकार के स्टार्टर में टाइमर नहीं लगा होता है, उसको हमें दोस्तों इस प्रेस करने पर ही दोस्तों हम इसको डेल्टा में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दोस्तों, इसमें रिले लगी होती है, और रिले हमारे एक मिनट के बाद में इसको चालू कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस प्रकार के स्टार्टर में तो हमें यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ता है, इसमें टाइमर नहीं लगा होता है, तो दो स्विच के में टाइमर लगा होता है, इसलिए हमें ये जो S3 और S4 वाले स्विच हैं दोस्तों इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसीलिए दोस्तों हम S3 और S4 को यूज नहीं करते हैं।